नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में अलजेब्रा से रिलेटेड एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो आरएमओ 2015 का है, रीजनल मैथमेटिकल ओलंपियाड का। तो मैं इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल शॉर्टकट मेथड से, यानी कि एक अप्रोच सिखाना चाहता हूँ, हिट एंड ट्रायल, जहाँ पर आप कुछ वैल्यू एज्यूम करके क्वेश्चन को बहुत कम टाइम में क्या कर सकते हैं, सॉल्व करते कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ज़्यादा हाई फाई फार्मूला याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन और आप उस क्वेश्चन को क्या कर देंगे, चुटकियों में निपटा देंगे। ये क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा इस अप्रोच से, और आपके लिए जो क्वेश्चन रहेगा वो ये वाला रहेगा, सेम अप्रोच लगाएगा, हिट एंड ट्रायल, यानी कि कुछ वैल्यू ऐसी एज्यूम करें जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हो, और पुट करें और आंसर जो है वो बहुत ही कम टाइम पे ले आए। तो आइए देखिएगा, कहते हैं लेट ए बी सी आर रियल नंबर सच दैट, आपको दो इक्वेशन दी गई हैं। ए इक्वेशन फर्स्ट इज ए माइनस सेवन बी प्लस एट सी इक्वल टू फोर, ठीक है। ए की एट ए प्लस फोर बी माइनस सी इक्वल टू सेवन। अब मेरे पास और आपको वैल्यू निकालनी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की। अब ध्यान से सुनो, मेरे पास जो है वो वैल्यू है तीन और इक्वेशन है दो, तो किसी एक वैल्यू को मैं अपनी तरफ से क्या कर सकता हूँ, अज्यूम कर सकता हूँ जीरो। तो मैंने देखा बी यहाँ पर ज़्यादा नंबर ले रहा है क्योंकि बाकी तो ईजी है कैलकुलेशन, तो मैंने बी को क्या अज्यूम कर लिया, जीरो अज्यूम कर लिया। क्या कर लिया, जीरो अज्यूम कर लिया, रियल नंबर है ना तो जीरो अज्यूम कर सकता हूँ, ठीक है भाई। बी को मैंने जीरो अज्यूम कर लिया, तो मेरे पास बच गया ए प्लस एट सी इक्वल टू फोर। थोड़ा कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए इसके लिए, तभी आप बहुत जल्दी कर देंगे, प्लस माइनस का सी इक्वल टू सेवन। अब मुझे क्या करना है, दोनों जगह एक वेरिएबल को क्या करना है, सेम करना है। इस ए को मैं दोनों जगह, यानी कि इस इक्वेशन को मैं एट ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि आप टेंथ के लिए कर रहे हैं तो एलिमिनेशन मेथड आप जानते होंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, इसको एट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा एट ए प्लस सिक्सटी फोर सी इक्वल टू थर्टी टू, और ये एट ए माइनस सी इक्वल टू सेवन। अब इसमें से माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा प्लस, ये से कैंसिल, ये हो गया सिक्सटी फाइव सी इक्वल टू ट्वेंटी फाइव, तो सी आ जाएगा ट्वेंटी फाइव बाई में सिक्सटी फाइव, पाँच और तेरह, पाँच बटे में तेरह, है ना। तो ठीक है, सी की वैल्यू यहाँ रख दें, एट ए इक्वल टू सेवन प्लस फाइव बाई में थर्टी, सिंपल सी बात है भाई, ये माइनस का था उधर जाके प्लस हो जाएगा, तेरह सत्तर इक्यानवे और पाँच छियानवे, नाइन्टी सिक्स बाई में थर्टीन, ए इंटू एट आठ से कटा, आठ दूनी सोलह, बारह बटे तेरह, ए आ गया बारह बटे तेरह और बी आ गया मेरा सी आ गया पाँच बटे तेरह। अब वैल्यू में पुट कर दो बस, ए का स्क्वायर भाई, ए का स्क्वायर, ए था यहाँ पे लिख देता हूँ ट्वेल्व बाय में थर्टीन, ए का स्क्वायर वन फोर्टी फोर बाय में वन सिक्सटी नाइन, बी तो जीरो था खत्म हो गया, सी का स्क्वायर, सी क्या है मेरा, सी है मेरा फाइव, ट्वेंटी फाइव बाय में वन सिक्सटी नाइन, एलसीएम ले लो भाई ज़रा, तो एलसीएम आएगा वन सिक्सटी नाइन, ऊपर बनेगा वन फोर्टी फोर में ट्वेंटी फाइव ऐड करेंगे, वन सिक्सटी नाइन बाई वन सिक्सटी नाइन विच इज इक्वल टू वन, खत्म। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, वन है, चेक कर लेना 2015 का आरएमओ का आंसर की चेक कर लेना, आंसर क्या है, वन है। तो देखो कितनी अप्रोच है इजी, इसी पे अप्लाई करेंगे ये वाला, ठीक है, ऐसी कोई अप्रोच अप्लाई करेंगे। चलो आओ, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो हमने कहा ए माइनस बी बिल्ड करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा इक्वल टू थ्री। तो मैंने देखा इस क्वेश्चन को करने के लिए, मैं किसी एक को जीरो मान लेता हूँ, चलो सी को जीरो मान लेते हैं यहाँ पर, है ना, किसी को भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप जिस मर्जी को जीरो मान लो, हर एक से आंसर सेम ही आएगा, किसी और वैल्यू पे अप्लाई करके देखना, आंसर सेम आएगा। सी को जीरो, बस एक कंडीशन सेटिस्फाई, सी को जीरो माना तो बी कितना आ गया, तीन, बी तीन आ गया, बी को तीन यहाँ रखा तो ए कितना आ गया, पाँच आ गया, माइनस का थ्री उधर जाके क्या हो गया, प्लस, तो ए भी आ गया, ए भी आ गया, ए आ गया हमारे पास फाइव, ए आ गया फाइव, बी आ गया मेरे पास थ्री और सी आ गया जीरो। अब जस्ट वैल्यू पुट कर देंगे, बस क्वेश्चन खत्म, पुट कर दो। चलो ए का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव प्लस बी का स्क्वायर नाइन, सी तो खत्म, ये जीरो ये जीरो ये जीरो, सी जीरो था, ए इंटू बी, ए इंटू बी वट, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, तो पच्चीस में से पंद्रह गए दस प्लस नौ उन्नीस, करेक्ट आंसर उन्नीस, नाइनटीन, बस खत्म, इतना ही करना था। बताओ कोई मुश्किल है इस अप्रोच में, नहीं। तो आज की क्लास में इतना ही, अलजेब्रा में ऐसे क्वेश्चन और चाहिए हो, ये अप्रोच का और प्रैक्टिस करने हो, तो कोर्स ज्वाइन कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।